आईसीसी चैलेंजर कप में आज कहीं ना कहीं दो मैचेस हुए हैं। अगर बात करें सबसे पहले तो सिंगापुर वर्सेस मालदीव्स और जापान वर्सेस थाईलैंड, ये दो मैचेस आज खेले गए आईसीसी चैलेंजर कप में और दोनों की सारी रिपोर्ट आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर वर्सेस मालदीव्स की, उस पूरे मैच में क्या कुछ घटा और उस मैच में क्या क्या कुछ अचीवमेंट्स या माइलस्टोन्स रहे हैं, उसके बारे में भी आपको मैच के डिटेल्स के बाद ही कहीं ना कहीं जानकारी दे देंगे। सबसे पहले शुरुआत करें तो सिंगापुर ने आज पहले बैटिंग की है इस गेम में और क्या कुछ स्कोर कार्ड रहा है, क्यों कौन-कौन से टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे वगैरह, चलिए जानते हैं। जरूर, और सिंगापुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मालदीव्स के खिलाफ 199 रन बनाए और 4 विकेट के नुकसान पर, जैसा आप देख पा रहे हैं, सुरेंद्र चंद्रमोहन और आदित्य दत्ता इन दोनों ने ही हाफ सेंचुरी बनाई है और सुरेंद्र चंद्रमोहन ने शानदार 82 रन किए और आदित्य दत्ता ने शानदार 56 रन अपनी टीम के लिए बनाए और टीम इनके मेजर कंट्रीब्यूशन की बदौलत 199 रन, 4 ओवर 4 विकेट होकर 20 ओवर के बाद पहुंच सके। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं सिंगापुर के बैटिंग का हाल था। उसके बाद बात करें अगर बॉलिंग की तो वहीं पर बात करें मालदीव्स का जो बॉलिंग कार्ड है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर रहा है जो आप देख पा रहे हैं। लगभग 5 बॉलर्स मालदीव ने यहाँ पर इस्तेमाल किया और सभी ने 4-4 ओवर डाले, 20 ओवर कंप्लीट हो गए। जो हाईएस्ट विकेट टेकर उनके रहे वो थे हसन इब्राहिम, जिन्होंने 2 विकेट निकाले और उसके अलावा 2 और प्लेयरों को 1-1 विकेट कर मिला। ज्यादा कुछ खास बॉलिंग में यहाँ पर रहा नहीं, बॉलिंग में काफी ज्यादा रन के लिए बॉलर्स गए हैं। अगर आप देखेंगे 17 करीब दिए हैं और लगभग 3 बॉलरों के 10 से ऊपर का इकॉनमी रहा है। काफी जमकर खबर ली गई है सिंगापुर की तरफ से मालदीव्स के बॉलर्स का, जो भी हाल आप देखें, जबकि पहला विकेट जो है बहुत जल्दी निकाल दिया था मालदीव्स ने सिर्फ 13 रन के योगदान पर सिंगापुर के, उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई मैच वो कहीं ना कहीं काफी दूर लेकर चले गए। और यहाँ पर बात करें उसके बाद जब बारी आई चेस करने की मालदीव्स की, तो आज मालदीव्स का जो बैटिंग कार्ड है वो किस तरीके का हमें देखने को मिला आज की डेट पर। बिल्कुल, और अगर बैटिंग कार्ड की बात करें तो यहाँ पर काफी पीछे नजर आई मालदीव्स की टीम, जैसा आप देख पा रहे हैं 158 रन तक पहुंच सकी 8 विकेट के नुकसान पर और यहाँ 41 रनों से यहाँ पर टीम को हार मिली। और अगर हम देखेंगे इनके स्कोर कार्ड पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप इस्माइल अली जिन्होंने 33 रन किए हैं और ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर उमर आदम जो प्लेयर आदम उमर जो है उन्होंने 29 रन की पारी खेली है। ये दो अपनी टीम्स की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर हैं। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आया ज़रूर हर थोड़े प्लेयर्स की तरफ से मिडिल ऑर्डर के 15-17-20, लेकिन नाकाफी था वो 200 के टारगेट को चेस कर। बिल्कुल, देखा आपने। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि सबको स्टार्ट मिला है, कम से कम अगर हम देखें 4 प्लेयर्स को एक अच्छा खासा स्टार्ट मिला और T20 भी, तो स्टार्ट भी नहीं करेंगे, T20 को तो आधी इनिंग हो जाती है इतने में, तो कहीं ना कहीं उसे वो एक लंबी इनिंग पर कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसका सबसे बड़ा रीजन रहा कि मालदीव जो है लास्ट में जाते जाते 41 रन से पीछे रह गया। अगर एक कोई इनिंग अपनी 60-70 तक लेके जाता तो शायद हमें इस गेम में मालदीव जीतता हुआ नजर आ सकता था। वहीं पर बात करें 41 रन से जीत में जो बॉलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा सिंगापुर का, वो क्या कुछ बयान करता है? जरूर, और यहाँ पर भी सिंगापुर ने भी एक्स्ट्रा डाले हैं, बॉलिंग इतनी खास रही नहीं लेकिन फिर भी बेटर रही मालदीव्स के मुकाबले। अगर हम देखें ये स्कोर कार्ड है उनका, जहां पर अगर हम बात करें कालीमुथु रमेश, जी हाँ, उन्होंने यहां पर सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर अपना निकाला है, 4 ओवर में 19 रन और 3 विकेट के साथ, और साथ ही साथ हर्ष भारद्वाज ने भी यहां पर 2 विकेट निकाले हैं अपने स्पेल में। काफी अच्छी बॉलिंग रही है इन दोनों की, पर ओवरऑल बॉलिंग में सिंगापुर ने भी ठीक काम नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे हमने कहा कि ओपोनेंट कहीं ना कहीं मैटर किया और मालदीव्स ने कहीं ना कहीं अपने शॉट जो है खराब खेलकर अपने विकेट थ्रो कर दिए, कुछ ऐसी खास बॉलिंग नहीं हो रही थी कि 200 चेज नहीं होते, डेफिनेटली मालदीव्स के बैट्समैन को इसका ब्लेम ज्यादा जाएगा। अब बात करते हैं इस गेम में क्या कुछ अचीवमेंट्स हुए हैं, क्या कुछ माइलस्टोन्स बनाए गए हैं उसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं सिंगापुर ने पहली बार आज मालदीव्स के खिलाफ कोई T20I खेला, ये पहला कहीं ना कहीं एक स्टैट है। उसके बाद सुरेंद्र चंद्रमोहन जिन्होंने आज हाफ सेंचुरी लगाई थी, उनका ये 4था हाफ सेंचुरी है T20I में अगर हम बात करें। वही आदित्य दत्ता ने भी आज हाफ सेंचुरी लगाई, उनकी दूसरी T20I हाफ सेंचुरी थी ये। उसके बाद देखें तो 199 जो आज सिंगापुर ने लगाए हैं ये उनका 3rd हाईएस्ट टोटल है T20I में, और मालदीव्स का जो आज उन्होंने चेस करते हुए 158 बनाए ये उनका 2nd हाईएस्ट टोटल है T20I में। 1 रन से वो पीछे रह गए, मालदीव्स का जो हाईएस्ट टोटल T20I में वो है 159। तो ये कुछ अचीवमेंट्स और माइलस्टोन रहे थे इस गेम में। चलिए अब चलते हैं दूसरे गेम की तरफ, वो गेम भी काफी अच्छा हुआ है, जापान वर्सेस थाईलैंड, जहां पर जापान ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करते हुए क्या स्कोर लगा, कौन कंट्रीब्यूटर्स रहे, चलिए जान लें। बिल्कुल, और जापान ने पहले बल्लेबाजी की और 166 रन उन्होंने बनाए 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद, और उनके कप्तान काडोवा को फ्लेमिंग ने एक और बार अपनी टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन यहां इनिंग खेली। जैसा आप देख पा रहे हैं 74 रन उन्होंने किए, बहुत तेज थरार कहना होगा हमें, 48 बॉलर की स्ट्राइक रेट से बिल्कुल बहुत शानदार इनिंग उन्होंने खेली है, और उनका साथ दिया है यहाँ पर उनके साथ ही 2 प्लेयरों ने, क्योंकि बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप भी हुई है। और लेकिन
मेजर चंक ऑफ रन जो आए हैं वो काड़ोवा को फ्लेमिंग की तरफ से आए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पर आपने ये भी जरूर सही कहा कि जो दो जो इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप्स आई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि जीत का जो डिफरेंस आप देखेंगे आगे हम आपको बताएंगे तो उसमें एक तरफ से खड़े भी रहे ये प्लेयर्स और फ्लेमिंग हिट करते रहे तो कहीं ना कहीं विकेट्स नहीं गिरा, ये काफी बेहतर रहा पैटमोर और इब्राहिम ताकाशी मेरे ख्याल से। जी हाँ, और इब्राहिम ताकाशी लगातार नीचे रन करते जरूर है लोअर ऑर्डर में, ये कई बार देखा गया, तो ये उनका स्कोर है। अब चलते हैं बॉलिंग कार्ड की तरफ एंड थाईलैंड के किस तरीके की बॉलिंग कार्ड रहा है ये कुछ इस तरह का आप देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बॉलर्स हैं छह बॉलर्स का थाईलैंड ने इस्तेमाल किया यहाँ पर, और जो दो बॉलर्स हैं जिनमें से जिन्होंने दो दो विकेट्स करके निकाले, बाकी सारी इकॉनमीज विकेट टेकिंग्स ओवर्स के जिन्होंने डाले सब आप ऑलरेडी इस कार्ड पर देख ही पा रहे हैं। एक्स्ट्रास का जी अच्छा है, थाईलैंड के लिए हम ये अप्रिशिएट जरूर करेंगे, एक्स्ट्रास में थोड़ी कमी है जो कि बहुत बेटर चीज। बिल्कुल सही कहा आपने, सिर्फ पांच एक्स्ट्रास डाली हैं यहाँ पर तो बहुत ही कंट्रोल्ड इस हिसाब से, यानी आप कह सकते हैं कि जो लाइन रही थी वो काफी बेटर डालना सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है। पहले उस लाइन में डालिए, उस विकेट टू विकेट में बॉलर्स को खिलाइए बजाय वाइड और नो बॉल दे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेंथ फिर धीरे 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 ऐसा खेल होती रहेगी, लेकिन लाइन में काफी यहाँ पर अच्छे हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है। अब चलते हैं थाईलैंड जब इस स्कोर को चेस करने के लिए आया तो ऐसा नहीं है कि थाईलैंड इस गेम में था नहीं, जी हाँ एक वक्त पर वो इस गेम में जरूर थे, चेस ऑन था, लेकिन लगातार बीच बीच में विकेट गिरते चले गए जिसकी वजह से ये चेस जो है एक आप कह सकते हैं थम सा गया और फिर वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। एंड उनका स्कोर कार्ड और उनके कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या कहते हैं? जरूर, और थाईलैंड इससे काफी पीछे रह गया इस रन से और 20 रन पर थाईलैंड की टीम ऑल आउट हो गई 16.5 ओवरों में यहाँ पर वो खेल कर। जैसा आप देख पा रहे हैं उनके स्कोरर्स उनकी जो ऊपर से ही रन बने हैं, बाकी नीचे के बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर के हों या कोई भी लोअर ऑर्डर में से कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन आया नहीं। थोड़े से बल्लेबाजों ने यहाँ निराश जरूर किया, बॉलर्स ने स्टार्टिंग में भी किया था बॉलिंग से और बैट्समैनों ने भी यहाँ पर अपसेट। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज मैं इसलिए यहाँ पर अभी मैंने एड ऑन की कि आखिर ये जो शुरुआत उनकी बेहतर हुई थी, आपको बता दें 47 रन पर उनका पहला विकेट गिरा था एक वक्त पर इस चेस को करते हुए 47 पे वो जीरो थे, और ये भी नहीं कि 8 नंबर है 47, बहुत तेजी से आए आप मुझे बता रहे थे 3.5 ओवर 47 करीब हो गए थे और कोई विकेट नहीं गिरा था, शुरुआत जबरदस्त थी बस इसीलिए मैंने कहा कि ये धीरे 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 फिर बेपटरी होती हुई चली गई। तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा थाईलैंड का इस चेस में, जो कि एट द एंड जाकर जो मिडिल ऑर्डर के दो बैट्समैन है और जो लोअर ऑर्डर है इन्होंने मामला खराब कर दिया, वरना शायद थाईलैंड इस मैच को जीत सकता था, लेकिन ये मामला खुद ही खराब नहीं हुआ। बात करेंगे जापान की बॉलिंग कार्ड। बिल्कुल, और जापान ने भी काफी अच्छी यहाँ पर हमें कहना होगा बॉलिंग दिखाई, दो ही बॉलर एंड सब कुछ समेट कर लेकर चले। बिल्कुल सही कहा आपने, और क्या बॉलिंग कराई है, बेस्ट अपना एक फिगर भी यहाँ निकाल लिया है, सिक्स पर निकाला है यहाँ पर साकुरानो, जी हाँ साकुरानो थॉमस, बिल्कुल साकुरानो थॉमस बहुत शानदार बॉलिंग कराई है उन्होंने, और साथ ही उनका साथ दिया इब्राहिम ताकाहाशी ने जिन्होंने रन से भी 25 रन किए थे, बिल्कुल टीम के लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया था, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है कि जापान आज एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। बिल्कुल, तो यही कहीं ना कहीं हाल रहा। अब आप इसी में देख लीजिए फॉलो विकेट में, आप बॉलिंग कार्ड में देख पा रहे होंगे नीचे कि पहला विकेट 47 पे गिरा, उसके बाद देखिए थाईलैंड का 49 57 57, यहाँ पर पूरी गाड़ी यहीं पर उनकी उतर गई, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी भर रह गया और रिक्वायरमेंट बढ़ता चला गया। इस मैच में अचीवमेंट्स क्या कुछ रही, चलिए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जापान और जापान के जो अचीवमेंट्स माइलस्टोन इस गेम में रहे हैं वो क्या कुछ रहे हैं? जापान पहली बार आज T20I खेल रहा था थाईलैंड के खिलाफ, लेकिन पहला अटेम्प्ट था, चौथी T20I 50 आज लगाई काड़ोवा को फ्लेमिंग ने, जी हाँ आज जो 74 मारे हैं ये चौथी T20I 50 है उनकी, उसके बाद जो 74 आज उन्होंने मारे हैं किसी भी जापानी बैट्समैन की तरफ से तीसरी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है T20I में। और आपको बता दें एक फनी फैक्ट ये है कि जो टॉप पांच हाईएस्ट स्कोर हैं जापान के बैट्समैन का T20I में वो पांचों के पांचों काड़ोवा को फ्लेमिंग के नाम है, एक इंटरेस्टिंग स्टैट है इनके नाम, एक पोस्ट किया है हमने जाकर कम्युनिटी में एक बार जरूर चेक करिए। और जो आज स्पेल आया ने बताया रियो साकुरानो थॉमस ने जो स्पेल डाला है 3.5 में 26 रन देकर 6 विकेट, ये बेस्ट बॉलिंग फिगर है जापान के किसी भी बॉलर का T20I में अगर तो बात करें, और रियो साकुरानो का पर्सनली भी सेकंड फाइवर कहीं ना कहीं था T20I में। तो ये कहीं ना कहीं हाल थे आज के दोनों गेम्स में, अचीवमेंट्स माइलस्टोन्स क्या कुछ रहा सारी चीजें हमने आपको अपडेट के थ्रू बता दी, और जो अब दो चार मैचेस होने के बाद पॉइंट्स टेबल क्या कहती है वो आपको कहीं ना कहीं कम्युनिटी में कुछ देर में अपडेट जरूर देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, एक बार कम्युनिटी टैब जाकर चेक जरूर करिए, कई सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स वहां पर लगातार आपको डेली क्रिकेट की तरफ से मिलती रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।